वेलकम स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। पहला पार्ट इसका हो चुका है आपका, ये दूसरा पार्ट भी एक्चुअली हो चुका था लेकिन इसमें साउंड नहीं था, इसलिए मैं इसको दोबारा से आपके लिए बना रही हूँ। इसके आगे के भी आपके पार्ट हो चुके हैं 3, 4, 5। एक पार्ट इसका रह गया है, वो मैं आज कर दूंगी आपका कंप्लीट, तो पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ इसमें कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके आ सकते हैं। तो बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। बेटा पेपर आपका बहुत नजदीक ही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इकाई 2 का भाग 1 पाठ 1, जिसका नाम है हिंदी सिनेमा उद्भव और विकास। जैसा कि बेटा आप सभी जानते हैं कि सिनेमा एक जनसंचार का माध्यम है। जनसंचार कहते हैं मतलब कि एक ही बात को एक बार कह के हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाए, कहकर या लिख कर एक बात को हम बहुत सारे लोगों तक एक साथ पहुंचा पाए जिस मीडियम से, वो जनसंचार का माध्यम कहलाता है। जैसे अगर लिख करके पहुंचाते हैं हम, अखबार है, पत्रिकाएं हैं, किताबें हैं, वो जनसंचार का माध्यम हो जाती है लिखित में। और जो ये हमारी जो सिनेमा है, ऑडियो विजुअल हो जाता है, यानी कि दृश्य श्रव्य हो जाता है, क्योंकि एक बार हमने कोई मूवी बना दी, कोई वीडियो बना दी, उसको बहुत सारे लोग एक साथ देख सकते हैं। तो सिनेमा का जो उदय हुआ था यानी कि शुरुआत हुई थी, वो फ्रांस में हुई थी 19वीं सदी के अंतिम दशक में, यानी कि 1890 से सन 2000 के बीच में वहां सिनेमा का विकास हुआ था। सिनेमा बेसिकली एक दृश्य माध्यम था, यानी कि एक विजुअल मीडियम था, केवल देखने की चीज थी ये। बहुत बाद में इसमें आवाज जुड़ी और ये दृश्य श्रव्य माध्यम बन गया। शुरुआत में इसमें बेटा केवल ब्लैक एंड व्हाइट पर्दे पर ही आते थे पिक्चर्स, यानी कि श्वेत शाम ही आया करते थे। बहुत टाइम से, जब से सिनेमा बना तभी से इसको रंगीन बनाने की कोशिशें चल रही थी, और बहुत जल्दी ही इसको जो हमारे जो फिल्म निर्माता वगैरह थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको रंगीन बनाने में सफलता भी हासिल कर ली। बहुत जल्दी ही रंगीन फिल्में भी यहाँ पर देखने के लिए मिलने लग गई थी। तकनीकी दृष्टि से अगर आप तकनीकी देखें फिल्मों की, तो बेटा आज की फिल्म और अब से 100 साल पहले की फिल्म, अगर आप दोनों चीजें साथ साथ देखें तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सिनेमा के क्षेत्र में कितने ज्यादा विकास हो चुके हैं। तो पहले क्या होता था कि किसी को भी अगर सिनेमा देखना होता था तो उसे एक अंधेरे कमरे में दिखाया जाता था, एक बड़े से थिएटर में श्वेत पर्दे पर दिखाया जाता था, अंधेरे कमरे में देखना होता था। आज भी लोग थिएटर में जाकर के टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं, लेकिन अब इतना हो गया है कि घरों में टीवी पर, यहाँ तक कि मोबाइल पर भी आप लोग कोई वीडियो सिनेमा वगैरह देख सकते हैं। सिनेमा बेसिकली तो मुख्य रूप से तो मनोरंजन का ही माध्यम है, लेकिन ये सूचना और शिक्षा देने का माध्यम भी है। और सिनेमा का इस्तेमाल खासतौर पर कहानी कहने के लिए किया जाता है। ये चीजें आपको सिनेमा के परिचय में ध्यान रखनी होगी बेटा। इसके बाद आता है सिनेमा प्रौद्योगिकी का विकास कैसे हुआ। तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर किसी दौड़ते हुए घोड़े की आप लगातार बहुत जल्दी 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 बहुत जल्दी से अगर आप फोटो लेते हैं, कोई घोड़ा दौड़ता जा रहा है उसे अगर आप एक मिनट के अंदर 24 से 25 चित्र ले लेते हैं, 24 से 25 फोटो ले लेते हैं और उनको एक साथ देखते हैं, बहुत जल्दी से देखते हैं, तो आपको ऐसे लगेगा कि इन फोटोज में भी घोड़ा दौड़ रहा है। यानी नेशनल म्यूजियम जो था यहाँ का, नेशनल साइंस एंड साइंस म्यूजियम था यहाँ पर, राजीव गांधी साइंस सेंटर हुआ करता था प्रगति मैदान के पास, वहां पर मैंने देखा था उन लोगों ने एक बल्ब का ऐसी फोटोज लगा रखे थे, बल्ब लगा हुआ है वहां से चटक के गिरता है गिरता है और फिर नीचे गिर जाता है, फूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। तो उन्होंने 8-10 फोटो ऐसे लगाई हुई थी, तो उसमें ऐसे लगता था उसको रोल को घुमाने पर कि जैसे वाकई में कोई बल्ब ऊपर से टूट रहा है, गिर रहा है, ऊपर से गिर करके टूट रहा है। तो विजुअल, एक तरह से विजुअल होता है कई कहते, जो कि हमारी आंखों को एक तरह लगता है कि एक साथ बहुत सारी तस्वीरें देखते हैं तो हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि चीजें चल रही है। तो सिनेमा में उसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है बेटे। आधुनिक युग से पहले दृश्य संबंधी स्मृतियों को आमतौर पर नाटक और चित्र के रूप में पुनर्जित किया जाता था। पहले क्या होता था कि किसी को अगर मान लो कोई सीन रिक्रिएट करना है तो या तो वो चित्र के रूप में रखते थे, किसी का चित्र बना लिया करते थे, या फिर उसका नाटक खेला करते थे। तब फोटो के जरिए, वीडियो के जरिए चीजों को रिटेन करना एक सामान्य जो है संभव नहीं हुआ करता था। स्थिर छाया चित्रों के संयोजन से, स्थिर छाया चित्र यानी कि फोटोज, फोटो और वीडियो का फर्क तो आप लोग समझते ही होंगे बेटा। स्टिल फोटोज जो होती हैं, उनको बहुत सारी फोटोज को एक साथ जोड़ करके और उनसे एक वीडियो बनाने का जो गतिशील चित्रों का विकास, यानी कि वीडियो बनाने का जो विकास हुआ, वो 19वीं सदी के आखिरी दशकों में हुआ था। इसके आविष्कार का जो क्रेडिट जाता है वो जो है अमेरिकी आविष्कारक थे थॉमस एडिसन, उनको दिया जाता है, लेकिन इससे पहले भी काफी लोग इसमें काम कर चुके थे।
इनसे पहले एक इस तरह का प्रयास किया था इंग्लैंड के एडवर्ड मुरब्रिज ने 1830 से 1904 तक, जिनका एक जो है क्या कि टाइम स्लॉट उनका उनकी जीवन काल रहा उन्होंने, और थॉमस एडिसन ने बाद में 1847 से 1931 तक जिनका जीवन काल रहा इन्होंने उनके बाद किया, लेकिन जो श्रेय जाता है वो थॉमस एडिसन को ही जाता है, क्योंकि एक एक बुनियादी जो एक जरूरतें थी वो एडिसन ही पूरी कर पाए थे। मुरब्रिज से प्रेरणा लेकर के, मुरब्रिज ने शुरुआत की थी थोड़ा सा चित्रों को इकट्ठा करने की, उनसे प्रेरणा लेकर के वीडियो तो जो है थॉमस एडिसन ने बना ली। 1889 में डिक्शन ने इस क्षेत्र में जबरदस्त पहल की जब उसने जॉर्ज ईस्टमैन की सेलुलॉइड का इस्तेमाल किया, उन्होंने सेलुलॉइड फिल्म का इस्तेमाल किया जिस पर ये सारे के सारे फोटोज असेंबल किए जा रहे थे। उससे क्या होता था कि सेलुलॉइड जो थी, बताएंगे इसकी विकल्पीज आपको, सेलुलॉइड फिल्म बाद में गतिशील छायांकन का श्रेष्ठ माध्यम बन गई क्योंकि इसे रोल करना आसान होता था। बेटा आपने कहीं ना कहीं देखी होगी सेलुलॉइड फिल्म, पुराने जो हमारे यहाँ जो कैमरा हुआ करते थे उनमें भी सेलुलॉइड फिल्म ही लगा करती थी, उसको पहले धुलवाना पड़ता था, उसके बाद नेगेटिव बना करता था, उसको धुलवाना पड़ता था तब तस्वीरें निकला करती थी। इसको रोल करना आसान था, साथ में इसको मनचाही लंबाई दी जा सकती थी। डिक्शन ने एडिसन के कैमरे का इस्तेमाल करते हुए 15 सेकंड की कई फिल्में बनाई, लेकिन एडिसन इन चित्रों के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए इनके प्रक्षेपण की समस्या नहीं सुलझा पा रही थी, यानी कि उनको प्रोजेक्टर वाली समस्या आ रही थी कि किस चीज से उन लोगों को दिखाएं, बन तो गई लेकिन आम पब्लिक को दिखाएं कैसे, ये चीज उनको समझ में नहीं आ रही थी। तो इस चीज का सोल्यूशन निकाला ल्यूमियर ब्रदर्स ने, जिनके नाम थे अगस्त्य ल्यूमियर और लुई ल्यूमियर। अगस्त्य ल्यूमियर का जन्म 1862 में, मृत्यु 1954 में हुई थी, और लुई ल्यूमियर का जन्म 1864 में हुआ था, मृत्यु 1948 में हुई थी। इन दोनों भाइयों ने इसका हल निकाला, उन्होंने आधुनिक पोर्टेबल कैमरे इस्तेमाल किया, मतलब जो पोर्टेबल कैमरा होता है, इनसे पहले कैमरा स्टिल रहता था, तस्वीरें दौड़ा करती थी, इन लोगों ने पोर्टेबल कैमरा का इस्तेमाल किया जो कि प्रोजेक्टर के रूप में भी काम कर सकता था। तो ल्यूमियर बंधुओं ने सिनेमेटोग्राफी का जो है एडिसन के यंत्र पर जो कि आधारित थी, 28 दिसंबर 1895 को पेरिस के एक कैफे के बेसमेंट में दर्शकों से पैसे लेकर के इन गतिशील तस्वीरों का यानी कि इन वीडियोस का एक छोटा सा प्रदर्शन किया। फिल्मों के इतिहास की शुरुआत इसी तारीख से हुई, इसी को पहला सिनेमा वीके माना जाता है कि 28 दिसंबर 1895 को जो ल्यूमियर ब्रदर्स ने पेरिस के एक कैफे के बेसमेंट में दर्शकों से पैसे लेकर के उन्हें तीन वीडियोस दिखाई थी। तो 19वीं सदी के अंत तक आते आते दुनिया के कई हिस्सों में मूवी कैमरा का इस्तेमाल होने लगा था, मूवी कैमरा बनने लगे थे। उनके द्वारा दिखाए जाने वाले छायाचित्र 35 मिलीमीटर के होते थे। जो 19वीं सदी के अंत में जो वीडियो कैमरा बने थे, मूवी कैमरा बने थे, उनमें जो छायाचित्र दिखाए जाते थे वो 35mm के होते थे, और हर एक सेकंड में 16 स्टिल पिक्चर्स निकलती थी सामने से, जिनको फिल्मों की भाषा में फ्रेम कहा जाता है। 16 स्टिल जो फोटो होते थे उनकी एक सेट बन गया जो कि एक वीडियो की तरह से बनता था, 35mm का बनता था वो, उसे फ्रेम कहा जाता था। शुरुआत में सिनेमा मूक था, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि दृश्य माध्यम के हुआ करता था पहले, शुरुआत में सिनेमा में आवाज नहीं हुआ करती थी, लेकिन 3 दशक के बाद फिल्मों में आवाज का भी समावेश हो गया, आवाज भी इसमें शामिल हो गई, तो ये दृश्य श्रव्य बन गया। इसके लिए हॉलीवुड के स्टूडियो वार्नर ब्रदर्स ने वीटाफोन प्रणाली का इस्तेमाल किया था फिल्मों में आवाज डालने के लिए। कौन सी प्रणाली का इस्तेमाल किया था? वीटाफोन प्रणाली का। किसने? वार्नर ब्रदर्स ने, जिसने अलग फोनोग्राफिक डिस्क के साथ चित्र का संयोजन किया। फोनोग्राफिक डिस्क अलग रखी, चित्र अलग रखे, फिर दोनों को कंपाइल किया, तो इस तरीके से ऑडियो विजुअल फिल्म बनी थी। बेटा सिनेमा के आविष्कार के साथ ही फिल्मों को रंगीन बनाने के प्रयोग शुरू हो गए, मतलब शुरुआत से ही ये कोशिश चल रही थी कि हम कलर फिल्म बनाए, और पहले सिनेमा कलर और बाद में टेक्निकलर फिल्में बनने लगी। रंगीन फिल्मों में अब भी लगातार प्रयोग हो रहे हैं बेटा, रंगीन फिल्मों के क्षेत्र में। आपको ध्यान होगा मुगली आजम पहले ब्लैक एंड व्हाइट थी, ईस्टमैन कलर कहा जाता था, उसको भी बाद में रंगीन बनाया गया था। शुरुआत में कैमरा एक जगह पर स्थित रहता था और कैमरे के सामने से गुजरते हुए दृश्य को रिकॉर्ड किया जाता था, यानी कि फिल्म एक शॉट की हुआ करती, उसके सामने से जितनी चीजें गुजरी उनको रिकॉर्ड कर लिया, फिर कैमरा कहीं और लगाया जाएगा, वहां से रिकॉर्डिंग होगी, वो एक शॉट बनेगा, इस तरीके से रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, कैमरे का इस्तेमाल कई तरह से होने लगा, जैसे कैमरे को आगे पीछे करके, कैमरे को दाएं बाएं करके, कैमरे को ऊपर नीचे करके, जिसे जैसे दूर करके पास करके, जिसे आप लोग अपनी भाषा में एक तरह से हम लोग फोन में भी देखते हैं जूम इन जूम आउट बोलते हैं, इस तरीके से वीडियोस बनने लग गई। और शक्तिशाली लेंस, पावरफुल लेंसेज आ गए, जैसे आप देखते हैं आपके फोन में मेगापिक्सल कितना है, आप ढूंढते हैं कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, तो जैसे जैसे पावरफुल लेंसेज आए उस तरीके से बहुत दूर की और बहुत पास की चीजों को भी फिर जो है फिल्म बनाना, उनकी वीडियो बनाना भी बहुत संभव हो गया। इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण जो तकनीकी बदलाव जो हुआ ये हुआ कि बहुत सारे शॉट को जोड़ करके
उनको ऐड करके एक लंबी फिल्म बनाया जाना मुमकिन हो गया। यहाँ से पहले क्या होता था, एक शॉट बनाया उसी को दिखा दिया, फिर दूसरा शॉट बनाया उसे दिखा दिया, ऐसे होता था। लेकिन अब क्या हुआ, सारे के सारे शॉट को जोड़ करके एक लंबी फिल्म बनाना भी पॉसिबल हो गया। इस प्रक्रिया को फिल्मों की भाषा में संपादित करना कहते हैं, जिसे इंग्लिश में आप लोग एडिटर कहते हैं, एडिटिंग कहते हैं। एडिटर करता है इस काम को, वो क्या क्या करता है, कट करता है, फेड इन फेड आउट, डिजॉल्व, जंप कट, फ्लैशबैक, ये सारी की सारी टेक्निक्स होती है, सारी की सारी प्रविधियां होती है जिनके माध्यम से संपादन किया जाता है। बेटे संपादन में नवीनतम प्रयोगों के कारण एडिटिंग के साथ साथ मिक्सिंग का काम भी अधिक कुशलता और कई नए तरह के प्रयोगों के द्वारा अब किया जाने लगा है। आप लोग देखते होंगे बेटा कि जो है किसी भी वीडियो में कोई और साउंड भी ऐड कर दी जाती है बड़ी आराम से। पहले क्या होता था कि साउंड भी साथ साथ ही रिकॉर्ड की जाती थी, लेकिन अब क्या होता है कि हम साउंड बाद में अलग से रिकॉर्ड करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक ही वीडियो पर आपको कई अलग अलग जो है गाने भी सुनने को मिल रहे होते हैं। तो इसीलिए है क्योंकि आज हमारे पास एडिटिंग के लिए बहुत सारी चीजें मिक्सिंग के कारण होता है। ओके, हम उसमें एक मिक्स करते हैं साउंड, जो है साउंड को। फिल्म में जब दृश्य के साथ आवाज भी जुड़ी तो ये ज्यादा यथार्थपरक बना, ज्यादा रियलिस्टिक बना, लोगों को इसमें ज्यादा भरोसा होने लगा। बाद में दृश्य के प्रभाव को बढ़ाने के लिए संगीत का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे मान लीजिए कोई हैप्पी कोई एंडिंग है या कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसा कोई सैड मोमेंट है फिल्म में, तो म्यूजिक के साथ उसको एक तरीके से एम्फसाइज कर देते हैं, आप बिल्कुल उसके साथ कनेक्ट फील कर पाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक जिसे बोलते हैं बेटा, है ना। तो भारतीय फिल्मों में गीत संगीत की एक स्वतंत्र विधा भी विकसित हो गई। फिल्मों के कारण एक अलग से गीत संगीत की विधा भी विकसित हो गई, जो कि स्वतंत्र विधा मानी जाती है, बॉलीवुड म्यूजिक जिसे कहा जाता है। शुरुआत में संवाद और ध्वनियों को शूटिंग के साथ साथ ही रिकॉर्ड कर लिया जाता था। शूटिंग चलती थी तो जो अभिनेता होते थे, अभिनेत्रियां होती थी, अपने डायलॉग साथ के साथ बोलते थे और उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता था। बाद में इसे स्टूडियो में अलग से रिकॉर्ड किया जाने लगा और दोनों को कंपोजिंग होने लगी, मिक्सिंग होने लगी। बाद में संपादन के दौरान मिक्सिंग की प्रक्रिया के द्वारा दृश्य के साथ आवाज और ध्वनियों को जोड़ा जाने लगा। यही नहीं, डब करने की प्रविधि के कारण गैर जरूरी आवाजों को दृश्य से मुक्त करना भी संभव हो गया। अब क्या हुआ, डब करने के कारण मान लीजिए आपको किसी एक भाषा की फिल्म है और दूसरी भाषा में भी देखने के लिए मिल जाती है, तो डबिंग की वजह से ही होता है। साथ में नाउ जो होता है नॉइस कैंसिलेशन की वजह से जो एक्स्ट्रा आवाजें जो होती है जो हमें नहीं चाहिए अपनी वीडियो में, वो सब भी उसमें से निकाल दी जाती है। अब डिजिटल साउंड सिस्टम है अब फिल्मों में, उसके कारण आवाज और ध्वनियों का जो स्तर है, जो लेवल है, वो काफी स्टैंडर्ड जो है काफी अच्छा हो गया है। फिल्मों की एक महत्वपूर्ण जो है विधा है वो है फीचर फिल्म, जैसे कि आप हिंदी में कथा चित्र कहते हैं, जिनमें कोई ना कोई एक कहानी होती है, जैसे कोई फिल्म या कोई सीरियल, इनको फीचर कहा जाता है, कथा चित्र कहा जाता है बेटा। और कंप्यूटर के आगमन से, जब से कंप्यूटर आ गया है तब से ये काम जो है बहुत आसान हो गया है फिल्म बनाने का, क्योंकि पहले जो जटिल दृश्य होते थे जिनको फिल्माना, जिनकी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता था, संभव नहीं होता था, उनको अब कंप्यूटर से जनरेट कर लिया जाता है, कंप्यूटर से बना लिया जाता है। जुरासिक पार्क आपने देखी होगी फिल्म, अवतार, क्रिस, टर्मिनेटर, टाइटैनिक, ये सारी फिल्में ऐसी थी जिनमें कंप्यूटर से बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट दिए गए थे, बहुत सारे अलग से जो है वीडियो बनाए गए थे, बहुत सारे इसमें जो सीन जो है वो कंप्यूटर से जनरेटेड होते हैं। ल्यूमियर बंधुओं की जो फिल्म, जो पहली जो फिल्म उन्होंने दिखाई थी सबको, वो एक से दो मिनट की लंबी फिल्में थी और हर एक फिल्म जो थी वो एक एक शॉट की थी खाली, यानी कि एक जगह पर कैमरा से बनाई थी वो फिल्म और एक ही जगह पर दिखा दी थी। जैसे वो तीन फिल्में कौन कौन सी थी, पहली थी जिसमें फैक्ट्री से निकलते हुए कुछ मजदूर थे, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म कही जा सकती है, वृत्तचित्र कही जा सकती है। दूसरी थी एक बगीचे में कोई माली पानी दे रहा था और पाइप पर पैर रखकर कोई बच्चा उसको परेशान कर रहा था, इसे आप कथा चित्र की कैटेगरी में रख सकते हैं, जिससे कि आजकल फिल्में बनती हैं, सीरियल बनते हैं। और तीसरा था पेरिस में होने वाली किसी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आए लोगों के आगमन पर उनके स्वागत का चित्र था, जिसे आप समाचार की एक तरह से वीडियो में एक तरह से इसको इंक्लूड कर सकते हैं बेटा। तो चलती तस्वीरें देखना किसी के लिए चमत्कार से कम नहीं था, सभी लोग वहां पैसे देकर के पहुंचे थे उनको देखने के लिए, क्योंकि सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जहां यथार्थ को फैंटेसी और फैंटेसी को यथार्थ की तरह पेश किया जा सकता है, यानी कि हकीकत को एक जो है जादू की तरह और जादू को हकीकत की तरह पेश कर दिया जाता है। फिल्म माध्यम में इस बात का महत्व नहीं होता कि क्या दिखाया जा रहा है, बल्कि इस बात का भी महत्व होता है कि किस तरीके से दिखाया जा रहा है। सिर्फ यही महत्वपूर्ण नहीं होता है कि आपको क्या दिखाया जा रहा है, साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि उसमें किस तरीके से दिखाया जा रहा है। यही कारण है कि हरिश्चंद्र जैसी कहानी जिसे सब लोग जानते थे, रामायण जैसी कहानी जिसको सब जानते थे, तब भी लोग उसको देखने के लिए बाकी सारे के सारे काम छोड़कर बैठ जाते थे, कई बार पैसे भी खर्च करते थे। तो उसका कारण यही था कि किसी चीज को किस तरीके से दिखाया जा रहा है ये देखना लोग चाहते थे, वरना कहानी तो सबको मालूम थी।
सिनेमा माध्यम का उपयोग सूचना, शिक्षा और मनोरंजन तीनों कार्यों के लिए बेटा किया जाता है। शिक्षा के लिए भी किया जाता है, सूचना देने के लिए भी किया जाता है और मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। मनुष्य उसी तरह का आनंद ग्रहण करता है जैसा आनंद उपन्यास पढ़ने से प्राप्त होता है। लोगों को पहले उपन्यास की आदत हुआ करती थी, लोग नॉवेल पढ़ा करते थे, कहानियां पढ़ा करते थे, तो अब इसी तरीके का आनंद वो फिल्में देखने में भी लेते हैं। बल्कि मुझे तो लगता है कई बार वो फिल्में देखने में उपन्यास और कहानी से कहीं ज्यादा आनंद लेते हैं, क्योंकि उपन्यास के लिए एक बाध्यता थी कि आपको पढ़ना आना चाहिए और साथ में जो है आपको उतना समय होना चाहिए। उपन्यास पढ़ने में कई बार पूरा पूरा हफ्ता लग जाता था लोगों को, जबकि फिल्म में आपकी पूरी की पूरी कहानी 2-3 घंटे में खत्म हो जाती है। उसको लोग जो पढ़ना भी आना जरूरी नहीं होता, जिनको पढ़ना नहीं भी आता है, जिनको सेम वो भाषा नहीं भी आती है, वो भी उस सिनेमा को देख सकते हैं। आगे फिल्म की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कथात्मक फिल्में ही है। फिल्मों की सबसे ज्यादा जो पॉपुलर चीज है, जो सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जो विधा है, वो कथात्मक फिल्में ही है, यानी कि फीचर फिल्में ही है जो सबसे ज्यादा देखी जाती है। हम हर हफ्ते वेट करते हैं कि इस हफ्ते कौन सी मूवी आने वाली है। कथा चित्रों की शुरुआत 20वीं सदी के आरंभ में हुई थी। 20वीं सदी की शुरुआत में फिल्में बननी शुरू हुई थी बेटा। इसने जल्दी ही विशिष्ट विधा का रूप ले लिया और 20वीं सदी का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन गया। 20वीं सदी में मनोरंजन का बहुत लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। विश्व सिनेमा की यात्रा, दुनिया में सिनेमा की यात्रा कैसी रही इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि भारत में सिनेमा की यात्रा कैसी रही। तो दोनों चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको पढ़िएगा, क्योंकि इनमें से आपका क्वेश्चन बनता है। शुरुआत कर रही हूं मैं विश्व सिनेमा की यात्रा। तो विश्व सिनेमा के दौरान देखे सबसे पहले जो शुरुआत मानी जाती है वो ल्यूमिये बंधु जो थे, ल्यूमिये ब्रदर्स से मानी जाती है, जिन्होंने 1-1, 2-2 मिनट की 3 लघु फिल्में बनाई थी। फिल्म के निर्माण के क्षेत्र में दूसरा नाम जो लिया जाता है वो जॉर्ज मैरिस का लिया जाता है, जिनका मुख्य पेशा था जादू दिखाना। मतलब बेसिकली वो एक जादूगर थे, मैजिशियन थे। उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में बनाई जिनमें यथार्थ और फैंटेसी का सम्मिलित प्रयोग गया था, यानी कि जैसे वो जादू दिखाते थे उसी की उन्होंने वीडियोज बनाई। इसके बाद उनकी जो फिल्में हैं उनको ट्रिक फिल्म के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो जादू की ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए वीडियो बना रहे थे, क्योंकि वो ऐसी फिल्में बना रहे थे जिनको लोगों ने सिनेमा में वो चीजें देखी जो मैरिस दिखाना चाहते थे अपने जादू के जरिए, न कि वो जो कि उन्होंने शूट किया था। मैलिस के बाद, मतलब पहले हमने पढ़ा ल्यूमिये ब्रदर्स, उसके बाद हमने पढ़ा मैलिस, उसके बाद मैलिस के बाद 20वीं सदी के पहले दशक में अमेरिका में ऐसी फिल्मों का निर्माण किया गया जिसे फीचर फिल्म का आरंभिक रूप कहा जा सकता है। मतलब यहां से 20वीं सदी के पहले दशक में फीचर फिल्में बनने की शुरुआत हो गई। यहां पर एडविन एस पोर्टर की फिल्म आई थी द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन फायरमैन और द ग्रेट ट्रेन रॉबरी 1903 में आई। इन दो फिल्मों को शुरुआती फीचर फिल्में माना जाता है। मैलिस ने ल्यूमिये बंधुओं के विपरीत एक शॉर्ट के स्थान पर बहुत से शॉर्ट की फिल्मों का निर्माण किया। मैलिस ने क्या किया, मैलिस ने एक शॉर्ट की फिल्म नहीं बनाई जैसे ल्यूमिये बंधु थे, उन्होंने एक एक शॉर्ट की फिल्म बनाई थी 1 मिनट की 2 मिनट की, लेकिन मैलिस ने क्या किया, एक दो शॉर्ट की फिल्म नहीं बनाई बल्कि कई शॉर्ट को एडिशन करके उनको एक लंबी फिल्म बनाई और शॉर्ट को आगे पीछे जोड़ करके उसने कहानी बनाई साथ में, और कहानी की तरह से उसने फिल्म कार बन एक तरह से जैसे आजकल बनाते हैं उस तरीके से उसने फिल्म बनाने की क्षमता हासिल कर ली। उसने द ग्रेट ट्रेन रॉबरी जो थी इस तरह से पहली प्रभावशाली फिल्म थी जिसे देख करके दर्शकों में ये उत्सुकता बनी रहती है कि आगे क्या होगा। द ग्रेट ट्रेन रॉबरी जो थी कई शॉट को आगे पीछे जोड़ करके एक साथ उसके बाद एडिट करके बनाई गई पहली फिल्म थी जिसमें की कहानी जोड़ी गई थी द ट्रेन रॉबरी। उसमें जो दर्शक हैं वो देखते देखते यही सोचते रह जाते हैं कि आगे क्या होगा, मतलब लोगों में एक उत्सुकता बनी रहती है फिल्म देखते हुए। 20वीं सदी की शुरुआत में यानी कि 1901 से 1910 के दौरान यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में लघु फिल्मों का निर्माण शुरू हो चुका था। लघु फिल्में बनने लगी थी कहाँ, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और एशिया में। फिल्मकारों ने कई तरह के फिल्मों का निर्माण किया जिसमें कॉमेडी, मेलोड्रामा, वृत्त चित्र आदि विधाओं का उपयोग किया गया था। ग्रिफिथ के अलावा चार्ली चैपलिन इस दौर के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण फिल्मकार थे। ग्रिफिथ और चार्ली चैपलिन दो इस दौर के सबसे महत्वपूर्ण फिल्मकार माने जाते हैं बेटा। उसके बाद 1920 में जर्मन फिल्मकार रॉबर्ट वियन ने द कैबिनेट ऑफ द कॉलिगरी फिल्म का निर्माण किया था। 1920 में ही फ्रांस में कई प्रभाववादी फिल्मकार सामने आए। ये सारी की सारी बेटा हम विश्व की सिनेमा यात्रा पढ़ रहे हैं, ठीक है।
लेकिन इस दशक में सबसे ज्यादा जो प्रभाव छोड़ा वो सोवियत के जो फिल्मकार थे, उन्होंने एडिटिंग के माध्यम से फिल्म को बिल्कुल एक नए स्टाइल में, बिल्कुल नए मीनिंग के लिए जैसे लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया। सोवियत फिल्मकारों ने मोन्टाज की एक नई शैली इस्तेमाल की थी, मोन्टाज फिल्में बनानी शुरू की थी। इन फिल्मों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नाम लिया जाता है सर्गेई आइंस्टीन, जिनका जिनकी फिल्म थी बैटलशिप पोटेमकिन। 1925 में मोन्टाज शैली की एक ऐसी फिल्म थी और उस टाइम पर सबसे ज्यादा मोन्टाज शैली की फिल्में ही बनाई जा रही थी। इसी दशक में प्रसिद्ध जर्मन फिल्मकार जो थे फ्रिज लॉन्ग, उनकी फिल्म आई मेट्रोपोलिस और फ्रांसीसी फिल्मकार ड्रायर की फिल्म आई द पैशन ऑफ जोन ऑफ आर्क, ये दोनों फिल्में भी अपने टाइम पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रही और लोगों ने इनको बहुत पसंद किया था। हालांकि 30 साल तक जो फिल्में हैं उनमें आवाज नहीं हुआ करती थी, मूक फिल्में बना करती थी। 1927 में द जाज सिंगर पहली फिल्म आई जिसमें आवाज थी, सवाख फिल्म पहली इंटरनेशनल भी था। भारत की पहली फिल्म आलमारा थी, इंटरनेशनल दुनिया की पहली फिल्म जो थी द जाज सिंगर थी, जो कि 1927 में बनी थी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब संवादों के जरिए जो एक्टिंग करते थे जो हमारी जो फिल्मकार फिल्म जो अभिनेता थे उनको और ज्यादा मीनिंगफुल बनाया जा रहा था। इससे फिल्म की विधा में और नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए रास्ते खुले। हालांकि जो फिल्म है मूलतः वो दृश्य विधा है और संवाद और ध्वनियां जो होती है बाद में से सहायक के रूप में ही आते हैं। सवाब फिल्मों ने वृत्त चित्रों, कथा चित्रों के विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इससे पहले वृत्त चित्र नहीं बना करते थे, समाचार सुनाने के लिए फिल्म का इस्तेमाल, सिनेमा का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। यहाँ से धीरे धीरे वृत्त चित्र बनना, शैक्षिक रूप से इसका इस्तेमाल करना आगे आगे और बढ़ता चला गया। फिल्मों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए भी किया जाने लगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नाजी एरा में, नाजियों के दौर में हिटलर के समर्थन में राजनीतिक प्रचार के लिए जर्मनी में कई वृत्त चित्रों का निर्माण किया गया था। बहुत सारी छोटी छोटी फिल्में बनाई गई थी जिनसे हिटलर का प्रचार किया जा रहा था, जिनमें लेनी राइफेस्टर की ट्रिप ऑफ द विल और ओलंपिया खास फिल्में मानी जाती है। फिल्म का नाम था ट्रिप ऑफ द विल और ओलंपिया, जो कि हिटलर के प्रमोशन के लिए उस दौरान में बनाई गई। विश्व सिनेमा का विकास भी तीसरे दशक के बाद, जब वहां पर जो साउंड आ गया, फिल्मों में आवाज आ गई, उसके बाद बहुत तेजी से हुआ। अमेरिका सिनेमा की प्रौद्योगिकी के विकसित होने के साथ साथ फिल्म कला का भी यहाँ पर बहुत विकास हुआ। खास तौर पर चार्ली चैपलिन ने सामाजिक और राजनीतिक विषयों को लेकर के कॉमेडी शैली में बहुत सारी बेहतरीन फिल्मों का निर्माण किया। चार्ली चैपलिन की फिल्में जो होती थी उनमें अधिकतर आवाज नहीं हुआ करती थी। उनकी ज्यादातर जो फिल्में थी जैसे कि गोल्ड रश, मॉडर्न टाइम्स, ये सभी की सभी फिल्में मूक दौर की श्रेष्ठ फिल्में हैं, यानी कि जिस टाइम फिल्मों में आवाज नहीं हुआ करती थी उसी टाइम ये सब फिल्में उन्होंने बनाई थी। और फासीवाद के विरुद्ध उन्होंने फिल्म बनाई थी द ग्रेट डिक्टेटर, जिसमें आवाज का इस्तेमाल उन्होंने किया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका में ऑर्सन वेलेस ने सिटीजन केन का निर्माण किया था। ऑर्सन वेलेस जो वहां के फिल्मकार थे, उनका जन्म 1915 में हुआ था, 1985 में मृत्यु हुई थी। उन्होंने फिल्म बनाई सिटीजन केन और हॉलीवुड जहाँ की अमेरिकी फिल्में बना करती थी विश्व में सिनेमा के शीर्ष केंद्र के रूप में स्थापित हो गया था इसी दौर में। और आज तक भी उसकी जो है रेपुटेशन बनी हुई है, आज भी उसकी प्रतिष्ठा बनी हुई है। यहाँ तक कि बॉलीवुड के कलाकार भी जो होते हैं उन्हें भी अगर हॉलीवुड में काम करने का मौका मिलता है तो इसके लिए अपने आप को एक तरह से शान की बात मानते हैं। लोकप्रिय और मनोरंजक सिनेमा बनाने के लिए हॉलीवुड, लेकिन रचनात्मक और कलात्मक फिल्मों का निर्माण यूरोप में ज्यादा हुआ। यानी कि जो मनोरंजक फिल्में बन रही थी, पॉपुलर फिल्में बन रही थी, वो अमेरिका में बन रही थी, लेकिन जो क्रिएटिव फिल्में बन रही थी, आर्टिस्टिक फिल्में बन रही थी, वो यूरोप में ज्यादा बन रही थी। और उसमें भी फ्रांस, इटली और सोवियत संघ का विशेष स्थान हुआ करता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सिनेमा का बड़ी तेजी से विकास हुआ। यूरोप के इस दौर फासीवाद के उभार और अक्टूबर क्रांति का ही था। अक्टूबर में ये जो यूरोप है, यूरोप में फासीवाद उभर रहा था और अक्टूबर क्रांति वहां पर हुई, तो साहित्य की तरह ही सिनेमा में भी यथार्थवाद पर ही, क्योंकि एक रियलिस्टिक जो वहां पर जो चीजें दिख रही हैं उन्हीं को दिखाना फिल्म में, साहित्य में हर जगह ये शुरू हो चुका था। लेकिन यथार्थवाद की अभिव्यक्ति किसी एक ढंग से नहीं थी, उसके नए नए प्रयोग हो रहे थे। हर कोई अपने तरीके से यथार्थ को प्रेजेंट कर रहा था, यानी कि जो भी वहां की रियलिटी थी उसको हर व्यक्ति अपने मन से, अपने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे। लोग तो कई तरीके से कर रहे थे। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सिनेमा की कई धाराओं की शुरुआत हुई। इन सिनेमाओं के कारण ही सिनेमा को कला के क्षेत्र में क्लासिकी का दर्जा हासिल हुआ था। इस दौरान जो फिल्में बनी थी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, उन्हीं के कारण फिल्मों को क्लासिकल मूवीज कहा जाता था।
विश्व सिनेमा में उद्देश्यपूर्ण और कलात्मक फिल्मों की शुरुआत का श्रेय सोवियत सिनेमा को जाता है बेटे, जिसने मार्क्सवाद से प्रेरणा लेकर के सिनेमा में यथार्थवाद की शुरुआत की थी। यानी कि वर्ल्ड सिनेमा में सोवियत सिनेमा जो है वहां से ही एक तरह से रियलिस्टिक सिनेमा की शुरुआत हुई थी। और सर्गेई आइंस्टीन और पुडोवकिन ने मैक्सिम गोर्की के जो एक प्रसिद्ध उपन्यास था मदर, उसी के नाम पर मदर पर जो उपन्यास था मदर नाम से ही फिल्म बनाई थी। इसी तरीके से वहां पर बहुत सारी फिल्में बनी जिनमें स्ट्राइकर, अदाई रूबलेव और द मिरर विशेष रूप से चर्चित रही और बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद की। काफी टाइम तक ये लगातार देखी जाती रही। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इटली में नव यथार्थवादी सिनेमा की शुरुआत हुई, जिसे नियो रियलिस्टिक कहा जाता है। इसकी शुरुआत वहां पर हुई। इन फिल्मकारों में विक्टोरियो डिसिका, रोबर्टो रोसेलिनी, फ्रेडिको फेलिनी नाम विशेष तौर पर आते हैं। डिसिका की बाइसिकल थीव्स को क्लासिकल फिल्म का दर्जा दिया गया था, जो कि उन्होंने 1948 में बनाई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की इटली के यथार्थ को जिस सादगी और गहन संवेदनशीलता के साथ डिसिका ने पेश किया, वो अपने प्रभाव में अतुलनीय था। बाइसिकल थी, उसमें उन्होंने बहुत ही ज्यादा वहां की जो बिल्कुल हकीकत थी, वहां की जमीनी हकीकत थी, उसको जिस तरीके से दिखाया था, उसको लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफ की थी। फ्रांस सिनेमा में, फ्रांस में क्या हो रहा था, नए तरह का सिनेमा बन रहा था जिसे न्यू वेव सिनेमा कहा जा रहा था। इसकी जो शुरुआत की थी वो जारे नुआ ने की थी, जिन्होंने की 1939 में रूल्स ऑफ द गेम नाम से फिल्म बनाई। फिल्मकारों ने फ्रांसुआ उबो को और जालक गुदार, जाक रिवेट, क्लाउस शाडोल और एरिक रोहमर, इन सब के नाम खासतौर पर वहां पर लिए जाते हैं, जो कि वहां के प्रसिद्ध फिल्मकार रहे थे। यूरोप और अमेरिका में फिल्म आंदोलन से बाहर भी अच्छे सिनेमा का विकास हो रहा था। यहाँ पर फिल्मी आंदोलन तो चल ही रहे थे, रियलिस्टिक सिनेमा का, न्यू वेव सिनेमा का, उनके अलावा भी उनके बाहर भी काफी अच्छी फिल्में बन रही थी। अमेरिका के अल्फ्रेड हिचकॉक, जिनका जन्म 1899 में हुआ, 1980 में मृत्यु हुई, उन्होंने चौथे दशक से लगातार थ्रिलर से परिपूर्ण फिल्मों का निर्माण किया। मतलब बहुत सारी थ्रिलर मूवीज उन्होंने बनाई थी। उनकी फिल्मों में साइको, द बर्ड, वर्टिगो वगैरह के नाम खासतौर पर लिए जाते हैं। यूरोप के अलावा जो सिनेमा है उसका विकास दक्षिणी अमेरिका में, अफ्रीका में और एशिया में भी काफी हो रहा था। 1960 की क्रांति के बाद में, उस दौरान में क्यूबा में कई अच्छी फिल्मों का निर्माण किया गया, कई उल्लेखनीय जो कि जिनका नाम लिया जा सकता है, प्रसिद्ध फिल्मों का निर्माण हुआ। ऐसी एक फिल्म थी लूसिया, जिसके निर्देशक थे हुम्बर्टो सोलेस। उन्होंने इसको एक तरह से डॉक्यूमेंट्री फिल्म की तरह से बनाया था। लूसिया नाम की एक लेडी थी वहां पर, एक महिला थी, जिसके संघर्ष को उन्होंने सारी की सारी फिल्म में प्रस्तुत किया था। एशिया में, हमारे पूरे एशिया में, जापान में, भारत और चीन में कई प्रसिद्ध फिल्मकार हुए। इनमें जापान के अकीरा कुरोसावा और भारत के सत्यजीत रे के नाम खास तौर पर लिए जाते हैं। सत्यजीत राय, जिनका जन्म 1925 में हुआ, मृत्यु 1976 में हुई, इनका नाम भारत के जो है सिनेमा की शुरुआत करने वालों में से, फीचर फिल्मों की शुरुआत करने वालों में से लिया जाता है बेटा। अकीरा कुरोसावा की रोशोमान और सेवन सामुराई विश्वविख्यात फिल्में रही। इनको सारी दुनिया में देखा गया, जो कि जापान से थी बेटा। सिनेमा का विकास आज भी हो रहा है, लेकिन अमेरिका यूरोप का सिनेमा 7वें दशक के बाद से कॉमर्शियल हो गया और केवल मनोरंजन के लिए एक तरह से फोकस हो गया, पूरी तरह से तो सीमित होकर के रह गया कि हमें सिर्फ मनोरंजन करना। फिल्में बनाना अब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, एक बिजनेस बन चुका है। रचनात्मकता और कलात्मकता के लिए अब गुंजाइश वहां पर बहुत कम रह गई है। अब रचनात्मक फिल्में कलात्मक फिल्में होती नहीं बनती है, अब उनका केवल एक पर्पज हो गया है कि पैसा कमाना। तो भारत में सिनेमा का विकास जो है वो विश्व सिनेमा के साथ साथ ही हुआ। अब हम भारत में सिनेमा के विकास की बात कर रहे हैं यहाँ से बेटा, तो भारत में भी सिनेमा का विकास ऐसा नहीं है कि दुनिया से बहुत बाद में हुआ। जैसे जैसे दुनिया में सिनेमा विकसित हो रहा था, उसके साथ साथ ही भारत में भी सिनेमा विकसित हो रहा था। ल्यूमियर ब्रदर्स ने अपनी जो उनकी फिल्में थी, उन्होंने 28 दिसंबर 1895 को दिखाई थी फ्रांस में, और 7 जुलाई 1896 की शाम को मुंबई के वॉटसन होटल में वो फिल्में दिखा दी थी बेटा, 7 महीने बाद। तो इन प्रदर्शनों ने भारतीयों में